हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है अप्रेंटिस ट्रेनिंग की वैकेंसीज निकाली गई हैं। अप्रेंटिस की ये वैकेंसीज हैं, टोटल वैकेंसी जो है वो यहाँ की 3000 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं। और ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट हो गई है 21 फरवरी 2024 से, और जो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है आपकी 6 मार्च 2024। 6 मार्च जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है। 6 मार्च 2024 तक आप इस एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। जो टेंटेटिव डेट रखी है एग्जामिनेशन की वो है आपकी 10 मार्च 2024। 10 मार्च 2024 आपकी टेंटेटिव डेट है एग्जामिनेशन की। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज हैं अप्रेंटिस की वो है आपकी 3000 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं। और इन वैकेंसीज को जो है वो कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है। एलिजिबिलिटी कंडीशन में आपकी एज लिमिट जो रखी गई है, आप 1996 अप्रैल 1996 1 अप्रैल 1996 के बाद पैदा हुए होने चाहिए, और 31 मार्च 2004 से पहले आप पैदा हुए होने चाहिए। 1996 के बाद 1 अप्रैल 1996 के बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, और 31 मार्च 2004 तक आप जो है पैदा होने चाहिए। इससे पहले पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ इससे पहले वाली होनी चाहिए। SC ST OBC PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपको एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल जो है यहाँ प्रोवाइड की गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट होने चाहिए आप, और जो आपकी ग्रेजुएशन है वो 31 मार्च 2020 के बाद की होनी चाहिए। 31 मार्च 2020 के बाद की जो है आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के लिए आपने अप्लाई करना है www.nats.education.co.in इस वेबसाइट के ऊपर जाके जो है आपने खुद को रजिस्टर करना है। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी रखी गई है वो है आपकी, जो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है वो है आपकी, अगर आप PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 400 रुपीज़ प्लस GST, अगर आप SC ST या वुमेन कैंडिडेट्स या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 600 प्लस GST, और अगर आप अदर कैटेगरी जनरल OBC कैटेगरी से हैं तब आपको 800 रुपीज़ प्लस GST। ये आपकी जो है एप्लीकेशन फ़ीस, एग्जामिनेशन या इंटीमेशन फ़ीस है। जो एज रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड की गई है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं उसमें, अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है, OBC कैटेगरी से हैं तो 3 ईयर की, PWBD कैटेगरी से हैं तो 10 ईयर की। पर्सन है जो इफेक्ट हुए थे 1984 राइट्स के टाइम तो 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। विडो, डाइवोर्स वुमन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड जिन्होंने री मैरिज नहीं की है, और वो 35 ईयर्स की एज तक भर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, EWS कैटेगरी से हैं तो 35 तक जनरल और EWS कैटेगरी की वुमेंस अप्लाई कर सकती हैं। OBC कैटेगरी से हैं तो 38, और SC ST कैटेगरी से हैं तो 40 ईयर्स की एज तक आप जो हैं वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस कैटेगरी के अंडर आते हैं, वुमन है, डिवोर्स वुमन है, या वुमन लीगली सेपरेटेड है हस्बैंड से जिन्होंने रीमैरिज नहीं की। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।